हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। डीजीसीए का गो फर्स्ट को आदेश, फौरन बंद करें हवाई टिकट की बुकिंग। नागरिक उड्डयन क्षेत्र के रेगुलेटर डीजीसीए ने गो फर्स्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हवाई टिकट बुकिंग करने पर फौरन रोक लगाने का आदेश दिया है। और इसके साथ ही डीजीसीए ने सुरक्षित, नियमित और भरोसेमंद तरीके से उड़ान भरने में असफल रहने पर एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने 15 दिनों के भीतर गो फर्स्ट से नोटिस का जवाब देने को कहा है। गो फर्स्ट के अचानक उड़ानें रद्द करने के फैसले और खुद को आईबीसी के तहत दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी में आवेदन देने के चलते डीजीसीए ने गो फर्स्ट को एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए का मानना है कि एक भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर अपनी भूमिका को अदा करने में एयरलाइंस विफल रहा है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 मई तक बढ़ी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। खबर है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और आगे बढ़ा दी है। यानी कि अब मनीष सिसोदिया 23 मई तक जेल में ही रहेंगे। कोर्ट पहुंचे सिसोदिया ने कहा कि हम पटपड़गंज में काम करते रहेंगे, भाजपा वाले कितनी भी कोशिश कर लें कोई नहीं काम रुकेगा। दरअसल मनीष सिसोदिया का ईडी केस में सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी हैं और वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। मणिपुर वायलेंस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। जनजाति की लिस्ट को लेकर पूछा, कैसे दे सकते हैं आदेश। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि हाईकोर्ट किसी समुदाय को जनजाति की लिस्ट में शामिल करने का आदेश कैसे दे सकता है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होनी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने हालात सामान्य करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों को रिकॉर्ड पर लिया है और इसके साथ ही हिंसा के दौरान विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सुविधा और मेडिकल सहायता देने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं मणिपुर सरकार ने बताया कि इस बारे में उचित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, हालात सामान्य हो रहे हैं, कर्फ्यू में कुछ घंटे की हमने ढील दी है। अब गाड़ी चलाना होगा महंगा, 10% तक बढ़ सकती है इंश्योरेंस प्रीमियम रेट। भारत में इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल 10% तक महंगे हो सकते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध और अन्य मौसम संबंधी नुकसानों की वजह से इंटरनेशनल री इंश्योरर, यानी वह कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनियों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफर करती है, उसने अपने रेट 40-60% तक बढ़ा दिए हैं। इस वजह से बिल्डिंग लायबिलिटी, मरीन और मोटर कवर का प्रीमियम बढ़ सकता है। आपको बता दें कि भारत में अगर आपके पास अपना वाहन है तो मोटर इंश्योरेंस होना जरूरी है। वित्त वर्ष 2023 में जनरल इंश्योरेंस सेक्टर के कुल बिजनेस में 81,292 करोड़ रुपए केवल मोटर इंश्योरेंस के भुगतान से प्राप्त हुए थे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में जनरल इंश्योरेंस ने फाइनेंस इंश्योरेंस प्रीमियम में कुल 23,933 करोड़ रुपए, मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम में 5,058 करोड़ रुपए, इंजीनियरिंग बीमा प्रीमियम में 4,281 करोड़ रुपए, एविएशन इंश्योरेंस प्रीमियम में 889 करोड़ रुपए और लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रीमियम में 4,863 करोड़ रुपए का भुगतान किया। पश्चिम बंगाल में बैन हुई द केरल स्टोरी, सीएम ममता बनर्जी ने लिया बड़ा एक्शन। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धमाल मचा रही है, दूसरी ओर देश के कई राज्यों में इस फिल्म पर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। अब खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी को बैन कर दिया है। स्टेट की सीएम ममता बनर्जी ने इस फिल्म
को लेकर कड़ा एक्शन लिया है और बड़ी बात कही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि पश्चिम बंगाल में सभी थिएटर से फिल्म द केरल स्टोरी हटाई जाएगी और कहीं भी इस फिल्म को नहीं चलने दिया जाएगा। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल से फिल्म द केरल स्टोरी बैन की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार नफरत फैलाने को बर्दाश्त नहीं करेगी। शांति बनाए रखने के लिए इस राज्य में केरल स्टोरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आनंद मोहन के केस पर फंस गए नीतीश कुमार, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भेजा नोटिस। बिहार के पूर्व बाहुबली आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर बिहार सरकार को झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने नीतीश सरकार और आनंद मोहन को नोटिस भेजा है और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रिहाई से जुड़ा हुआ पूरा रिकॉर्ड मांगा है। आनंद मोहन बिहार के DM जी कृष्णैया की हत्या के दोषी पाए गए थे। बता दें कि आनंद मोहन 27 अप्रैल को जेल से रिहा हुए थे। दरअसल दलित IAS अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने बिहार सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार के जेल मैनुअल में बदलाव किए जाने पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में न्याय जरूर मिलेगी। जी कृष्णैया की पत्नी ने अपनी याचिका में बिहार सरकार का आदेश रद्द करने की मांग की है। भारत में बन रहा है दुनिया का सबसे सस्ता कृत्रिम दिल, IIT कानपुर का है कमाल। सब कुछ ठीक रहा तो देश में ही बना दुनिया का सबसे सस्ता और आधुनिक आर्टिफिशियल हार्ट उपलब्ध होगा। दरअसल IIT कानपुर में विकसित किए जा रहे आर्टिफिशियल हार्ट का एनिमल ट्रायल शुरू हो गया है। यह ट्रायल IIT लैब के अलावा हैदराबाद की एक कंपनी में भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि अगर यह प्रयोग सफल हो जाता है तो ये दुनिया का सबसे सस्ता और आधुनिक आर्टिफिशियल हार्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर अमिताभ बंदोपाध्याय ने बताया कि सबसे जरूरी काम कृत्रिम दिल में लगे हुए मटेरियल को टेस्ट करना है। इस काम में 6 महीने लगेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम मशीन के मटेरियल में भी बदलाव करेंगे। प्रोफेसर अमिताभ ने बताया कि इसके बाद इस आर्टिफिशियल हार्ट को गाय के बछड़े पर ट्रायल करने के लिए हमें इंडिया से बाहर भी जाना पड़ेगा। प्रोफेसर अमिताभ का कहना है कि अगर सारे ट्रायल ठीक रहे तो यह 2025-26 में ट्रांसप्लांट के लिए उपलब्ध होगा और इसकी कीमत अधिकतम 10 लाख रुपए होगी। अभी तक बाजार में मौजूद ऐसी डिवाइस 25 लाख से 1 करोड़ रुपए कीमत में मिलती है। इस कृत्रिम दिल को बनाने में टाइटेनियम धातु का प्रयोग किया जा रहा है। राजस्थान में वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश होकर घर पर गिरा, 3 लोगों की इसमें जान गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ इलाके के बहलोल नगर में भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश होकर गिर गया। बता दें कि विमान एक घर पर गिरा है जिससे वहां पर घर में मौजूद महिलाओं समेत 3 लोगों की जान गई है। हादसे में एक युवक के घायल होने की भी खबर है जिसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हादसे में विमान के पायलट को कोई चोट नहीं आई है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। बताया रहा है कि विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। इसके कुछ देर बाद ही यह दुर्घटनाग्रस्त होकर हनुमानगढ़ के बहलोल नगर में गिर पड़ा। हादसे के बाद विमान में आग लग गई और मौके पर बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। एक जांच दल भी घटना पर पहुंच गया। हादसे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। दिल्ली मेट्रो में अब टोकन के झंझट से छुटकारा, जुलाई में शुरू होगा QR टिकट सिस्टम। दिल्ली मेट्रो अपने सभी लाइनों पर जल्द ही QR टिकट सिस्टम पूरी तरह से लागू करने जा रही है और इसके लिए DMRC ने जुलाई महीने की समय सीमा भी तय कर दी है। QR टिकट सिस्टम के लागू हो जाने के बाद दिल्ली के लोगों को मेट्रो टिकट के लिए लंबी लाइन में लगने से निजात मिल जाएगी। DMRC ने यात्रियों को सभी लाइन पर ऑनलाइन टिकट की सुविधा मुहैया करने के लिए बुनियादी तैयारी पूरी कर ली है। शुरुआत में सभी स्टेशनों पर 1-2 गेट पर ही QR की सुविधा मिलेगी और इसके बाद रुपे कार्ड से सफर की सुविधा भी मिलने लगेगी। आपको बता दें कि फिलहाल स्मार्ट कार्ड और टोकन सिस्टम से मेट्रो में सफर करने की सुविधा मौजूद है, लेकिन टोकन हासिल करने के लिए ऑफिस आवर में लोगों को लंबी लाइन की समस्या का सामना करना पड़ता है। गुजराती ठग मामले में तेजस्वी यादव को समन, अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने 20 मई को किया तलब। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव की मानहानि के मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गुजराती को ठग कहने के मामले में अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 20 मई को हाजिर होने का आदेश दिया है और इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज करने वाले शिकायतकर्ता को भी सबूतों के साथ आने का आदेश दिया है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बजट सत्र के दौरान
बिहार विधानसभा परिसर में एक बयान दिया था और उसमें कहा था कि देश में जो वर्तमान स्थिति है उसमें सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। तेजस्वी ने कहा था कि इन ठगों को माफ भी कर दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने पंजाब नेशनल बैंक का पैसा लेकर भागे हुए मेहुल चौकसी के ऊपर से रेड कॉर्नर नोटिस हटने और उनके और लालू परिवार के खिलाफ चल रहे सीबीआई जांच को लेकर ये बयान दिया था। न्यूजीलैंड से शिकस्त खाकर महज 48 घंटे बाद पहले नंबर से खिसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने में विफल रहा और कीवी टीम ने अंतिम एक दिवसीय मैच में 47 रन से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने विल यंग और टॉम लैथम के अर्धशतक के सहारे 50 ओवर के अंदर 299 रन पर आउट कर दिया। लक्ष्य का बचाव करते हुए हेनरी शिपले और रचिन रविंद्र की अगुवाई में ब्लैक कैप्स के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। दोनों ने 6 विकेट आपस में बांटकर पाकिस्तान को 47 ओवर में 252 रन पर समेट दिया। इस हार के बाद महज 48 घंटे पहले ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम खिसककर ऑस्ट्रेलिया और भारत से नीचे तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। यूपी में चढ़ते हुए पारे के साथ बड़ी बिजली की मांग, योगी सरकार करेगी अतिरिक्त इंतजाम। अप्रैल के आखिरी और मई के शुरुआती दिनों में हुई बारिश के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पारा चढ़ने लगा है और इसी के साथ ही प्रदेश में बिजली की मांग भी बढ़ने लगी है। बीते एक सप्ताह में ही प्रदेश में बिजली की मांग में 5000 मेगावाट का इजाफा हो चुका है। आने वाले दिनों में मांग बढ़ने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एनर्जी एक्सचेंज से खरीद बढ़ाने के साथ ही बंद पड़े बिजली घरों को जल्द ही चालू करने के निर्देश दिए हैं। पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक पहली मई को प्रदेश में बिजली की मांग 14,675 मेगावाट थी, जो कि शनिवार को बढ़कर 19,500 मेगावाट के पार पहुंच गई है। दो दिनों की बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट अब खात्मे पर है और एक बार फिर से पारा चढ़ने लगा है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी संभव है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। धीरे धीरे यह पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर कर लेगा। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में समुद्र की स्थिति बहुत खराब से बहुत खराब श्रेणी में रह सकती है और समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण और तटीय कर्नाटक, केरल और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं हमेशा छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।